हेयर स्टाइल? हेयर स्टाइल का नाम क्या है? क्या है? क्या है? शरीफ वाला। शरीफ वाला पूरा शरीफ भाई। इधर आगे मैं घिसते। हे गाइस, सबको जोहार और गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कमर बाजार राजनगर, और काफी दूर है यहाँ से, मतलब 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा। 7:30 बजे का हम लोग को टाइम दिया हुआ है कॉल चक्कर में। तो गाइस, लेने आएगा मुझे ठाकुर और बाकी सभी प्लेयर वही रहेंगे। पिछला मैच में गुजू नहीं खेल पाया था क्योंकि उसका पैर में थोड़ा चोट था और विकास भी थोड़ा रेस्ट में था। आज ये दोनों रहेंगे, देखते आज गुजू खेल पाता है कि नहीं, पर विकास जरूर आएगा और खेलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का रिजल्ट क्या होता है, वीडियो में बने रहिए। और गाइस, सुबह सुबह भूख लगा है, पता नहीं अभी आज क्या बना है, देखते हैं क्या मिलेगा। इतना सुबह तो कुछ मिलता है नहीं, फिर भी देखते हैं क्या बना है और खाके निकलूंगा। तो गाइस, कुछ अभी बना नहीं है, जाके गोल चक्कर में ही खाना होगा। तो चलिए निकलते हैं, ठाकुर भी आ रहा है। अरे अभी मैं गेट में रेडी है, ठाकुर का इंतजार कर रहा है मेरे साथ। पिटको, हाथ मिला, हाथ मिला, हाथ मिला रे, हाथ ऐसे मिलाया जाता है बाबू। तो गाइस, ठाकुर आ गया है और हम लोग निकल गए हैं, हमेशा की तरह 5-10 मिनट लेट, आज भी लेट। चलिए देखते हैं अभी तक क्या बोलता है वहाँ। गाली देगा, गाली देगा और क्या। आज फिर से विंगर का स्वागत किया जा रहा है हम लोग का द्वारा। और तिवारी जी बहुत दिन बाद फुर्सत में, काफी क्लियर लोग आज का। अभी पहुंच गए हैं कमर बसा राजनगर, और हम लोग का मैच कितना नंबर में, कितना नंबर में है अमिता? 6 नंबर में, कितना नंबर चल रहा नहीं मालूम, 3 नंबर देखते हैं। अभी घनश्यामदा का न्यू हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल का नाम क्या है? क्या है? क्या है? शरीफ वाला। शरीफ वाला पूरा शरीफ भाई। इधर आगे मैं घिसता बंद करता। कौन है घिसता यार? ये एक तो घिसता है, सबको हम लोग बोलते हैं इसको। ए भाई, थोड़ा चेहरा दिखा दे इधर। सही मेरे भाई, तुम तो घिसता ही जैसा। तो गाइस, अभी ग्राउंड का तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है ग्राउंड। और मैच इसके बाद और एक मैच है, उसके बाद हम लोग का मैच है, देखते हैं कैसा है ग्राउंड। खेल को हम लोग देख पाएंगे जहां मैदान किए। तो गाइस, मैच का टाइम हो गया है, तो अभी थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। खाना खाने का टाइम नहीं है क्योंकि खाना खा लेंगे एक मैच के बाद ही है, तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो चलिए अभी नाश्ता करते हैं। तो गाइस, मैच तो अभी नाश्ता हो गया है और अभी जाएंगे किट करेंगे हम लोग का एक मैच के बाद है। तो देखते हैं आज का रिजल्ट क्या होता है, शाम में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। लेकिन
तरीके से खेलती है। और अच्छी ही उनके द्वारा मार्गदर्शन मिल रहा है, जो कि माजी तो भाई भाई से खेलते हुए और भारी हो गया पर झारखंड टाइगर वर्सेस रिविल मुनावासा की अहम ये पहलू है जो कई कीर्तिमान को ठुकराना होगा। ये पांच सीमा है, ये पांच पद है जो हम अपनी टीम को सुरक्षा का कदम देता रहता है। लगातार मैच खेलने हमारे कमिटी परिवार के लिए और ये पुरस्कार को भेंट करेंगे हमारे मंच में बैठे हुए जो सम्मान के पात्र बने हुए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी गौरव है क्योंकि हजारीबाग जैसे जिले में बड़े जो ऑफिसर पद में विराजमान है हमारे जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी के रूप में श्री माननीय अनोर हेमरम जी के हाथों से उनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए जो कि इस 2023 के लिए हमारे विकास नायक जी को वो प्रदान कर रहे हैं मैन ऑफ द मैच के रूप में। कैमरा मैन
रक्षक मुक्ति मोर्चा के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं रंजीत कुमार आस्था जी, वो भी हमारे इस विकास नायक जी को मैन ऑफ द मैच के लिए उनके माध्यम से भी जो है ये उपहार मिल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं रंजीत कुमार आस्था, उनके द्वारा भी ये उपहार मिलता हुआ विकास नायक जी को। तो गाइस आज भी फाइनली हम लोग चैंपियन बने, लगातार दूसरी बार दो टूर्नामेंट में लगातार चैंपियन बने और सभी लड़के लोग बहुत अच्छा खेले। ठाकुर दोनों दिन अच्छा खेला, दोनों दिन चैंपियन किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और कोशिश करेंगे आगे और चैंपियन होते रहे हम लोग। जिस खुशी में बोल रहा उसी खुशी में खेलना पड़ेगा। आप तो बोल दिया अपना, बाकी लड़का लोग को भी पूछो। चलिए अभी बाकी लड़का लोग से भी पूछते हैं कैसा लगा कैसा नहीं। अरे बबलू जी सर, बबलू कैसा लग रहा है? गौर गौरी के और इधर बाकी लड़के लोग बैठे हुए हैं। देखिए विकास आज मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज? मैन ऑफ द मैच। देख तो पंखा मिला क्या? हाँ पंखा और 1000 रुपया। 1000 टका? हाँ भाई। देखिए सभी लड़के लोग सब बहुत अच्छा खेले, इधर ठाकुर बेच रहा है। और गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, लगातार मैच हार रहे थे, अभी लगातार जीत रहे तो घनश्याम बहुत अच्छा लग रहा था। और घनश्याम दा दूर ही दूर हो रहा है, वीडियो बना घनश्याम दा को पूछा जाए। घनश्याम दा कैसा लग रहा है लगातार मैच जीत रहे? अच्छा ही लग रहा है और ऐसे जीतेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, थोड़ा हम लोग का आजकल दिन थोड़ा बेड लग चल रहा है। हाँ चलिए ठीक है, उतार चढ़ाव होते रहता है मैच में। तो गाइस जो भी है हम लोग फाइनल जीत गए हैं, तो आज का वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।